Friends, first of all, I am unable to express my complete emotion in English, so please forgive me. And I apologize to Chandan that I didn't write anything for this book. मैंने बार बार कोशिश की कि मैं कुछ लिखूं. जब जब मैं पेपर और कलम लेकर के बैठता था, ये शायद मेरे साथ पहली बार हुआ है. एक साल पहले मेरे पिताजी की का देहांत हुआ था, ठीक एक साल पहले इसी महीने में. तो उस वक्त मुझे इतना महसूस नहीं हुआ था, लेकिन पिछले एक महीने से लगभग आप हर सप्ताह मुझे फ़ोन करते थे कि आप कुछ पीस लिख दीजिए इसके लिए. मैं कभी लिख ही नहीं पाया, हर बार वो पीस अधूरा रह जाता था. मुझे लगता था कि एक छोटी सी किताब, एक कॉलम, दो चार शब्द, एक इनॉग्रेशन, कोई एक लिटरेचर फेस्टिवल या कोई एक कंडोलेंस मीटिंग, इसमें गौरी लंकेश को नहीं समेटा जा सकता है. मेरा अनुभव बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा, लेकिन इस छोटे से अनुभव में जितना मैंने उनको जाना है, मैं समझता हूँ कि किसी भी इंसान को पूरे तौर पे संपूर्णता में समझने के लिए काफ़ी होता है. मैं तीन चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ. जब मैं जेल से छूट के आया था तो मुझे लोग बहुत डेस्परेटली खोज रहे थे. एक तो वो जिन्होंने मुझे जेल पहुँचाया, दूसरे वो जो हमारे जेल जाने को एक अवसर की तरह देख रहे थे कि इस आदमी का इस्तेमाल करके हम अपनी राजनीति बचा लेंगे, और तीसरे वो लोग थे जो हमारे फ्रेंड थे, हमारे कॉमरेड थे, जो कभी दोस्त के तौर पे आए, कभी माँ के तौर पे, कभी पिता के तौर पे. गौरी लंकेश तीसरे लोगों में शामिल थी, और हो सकता है कि आप लोगों ने हमारा कुछ वीडियो देखा हो. मैक्सिमम टाइम मैं जिस कपड़े से अपने तन को ढका होता हूँ उसको मुझे गौरी लंकेश ने ही दिया है. ये बात बहुत छोटी हो सकती है कि कोई महिला किसी बच्चे को कपड़ा दे रही है, ये बात बहुत छोटी नहीं है. वो मेरी वो माँ नहीं थी और ना मेरी वो उम्र थी जब माँ बच्चों को दूध पिलाती है, लेकिन बच्चा जब बड़ा हो तो तन पे कपड़ा डालना ये परवरिश की निशानी होती है, ये सिंबल होता है कि आपका कोई परवरिश कर रहा है. तो मेरे अलग अलग लोगों से जो मेरे आसपास रहते हैं, डिस्परेटली वो मुझे ढूंढ रही थी, और अंततः उन्होंने मुझे खोज लिया JNU आकर के. और मैं उनके बारे में सुन चुका था, लगभग इस देश के वो तमाम इंटेलेक्चुअल जो प्रोग्रेसिव होने की बात करते हैं और उस प्रोग्रेसिव थॉट को अपने लाइफ में उतारते हैं, वो सब गौरी लंकेश से परिचित थे. तो मैं भी उनका नाम जानता था, लेकिन ना उनसे कभी मिला था, ना उनके राइटिंग से मैं वाकिफ था, और मुझे शायद यह मालूम भी नहीं था कि मैं गौरी लंकेश को बहुत अलग तौर से जानने वाला हूँ और उनके साथ हमारा एक अलग तरीके का रिश्ता बनने वाला है. इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था. जब वो आई पहली बार मिलने के लिए तो उन्होंने कहा कि मैं पत्रकार हूँ, मैं एक पत्रिका चलाती हूँ, और उन्होंने अपने पिताजी के बारे में बताया, और उन्होंने पिताजी को इंट्रोड्यूस करते हुए, इसीलिए मैंने अभी उनकी माताजी का पैर छू करके उनको प्रणाम किया. वो कहती थी कि मेरे निर्माण में जितना मेरे पिताजी का योगदान है उससे ज़्यादा योगदान मेरी माँ का है. इसको कहते हैं फेमिनिज्म पे सिर्फ कलम चलाना नहीं, जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो अपनी माँ का नाम लेना यदि आप नहीं भूलते हैं, इसका मतलब है कि आप फेमिनिज्म प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. लोग अक्सर अपने पिताजी का नाम लेते हैं, उनके पिताजी बहुत बड़े आदमी थे, आप लोग जानते होंगे. तो जनरली आप ये देखेंगे कि जो इंसान बहुत बड़ा होता है फैमिली में, लोग उसके साथ ही अपने आप को रिलेट करके अपने मुँह को बंद कर लेता है, लेकिन अपने माँ का कॉन्ट्रीब्यूशन कभी बोलना नहीं भूलती थी. और वो जो घर जहाँ मैं उनसे आकर के दो बार मिला था, इसके बारे में मुझे अक्सर बताती थी कि जब मैंने फैसला लिया
और सहमति से जो हमारा लाइफ पार्टनर था उसके साथ हमने तय किया कि हम अलग रहेंगे, तो माँ मेरे लिए अलग से जो है एक मकान बना करके रखी थी। और वो पूरा मकान घुमाने के बाद मैंने पूछा कि ये मकान बहुत खूबसूरत है, तो उन्होंने कहा कि ये मकान बहुत साइंटिफिक भी है। इसका मतलब ये है कि मेरी माँ बहुत साइंटिफिक सोच की भी है। अपने निर्माण में हमेशा जो अपनी माँ का नाम लेती थी, भाई को इंट्रोड्यूस करते हुए अपने बहन को नहीं भूलती थी, और लास्ट टाइम जब मैं उनसे मिला था और वो मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रही थी, तो अपनी बहन की लड़की से उन्होंने मुझे बात करवाया। उसका उस दिन जन्मदिन था, मैंने उसको बर्थडे विश किया और उन्होंने कहा कि अगली बार तुम्हें मैं अपने उस घर पे ले चलूँगा। ये मेरे लिए दुर्भाग्य है कि वो दिन आया नहीं, मैं उनके साथ जा नहीं सका। एक तो ये उनका जो व्यवहार था, जो उनका सिद्धांत था प्रैक्टिस और जो उनका थ्योरी है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। एक छोटा वाक्य मैं आपको बताता हूँ कि घर पे वो कम रहती थी, इन द सेंस कि अखबार के काम से बाहर जाना, मूवमेंट में बाहर जाना, रात को अक्सर जो है वो खाना कहीं से खा के आती थी। लास्ट टाइम हम लोग, हम चंदन जी, बाकी लोग साथ में डिनर किए थे, तो उनकी जो मेड थी उनको वो पहले छुट्टी देती थी। तो हमने पूछा, हम दावा करते हैं कि हम बहुत प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन लेवर जिसको आप अपॉइंट करते हैं उसके एक एक सेकंड को आप चूस लेना चाहते हैं, यह बात मुझे एहसास हुआ कि उनकी मेड अक्सर लेट आती थी और उससे पहले वो घर में झाड़ू लगा चुकी होती थी, घर का बर्तन साफ कर चुकी होती थी और उनको पहले छोड़ देती थी। हमने कहा कि फिर आपने मेड रखा ही क्यों है? उन्होंने जवाब दिया कि ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन ये काम भी यदि हम ही करेंगे थोड़ा सा जिसको वो कर रही है, तो वो बेरोजगार हो जाएगी। इतनी छोटी सी बात, लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़े बड़े कॉलम, बड़े बड़े आर्टिकल की बात करते हैं, इतनी छोटी सी बात। और तीसरा, जो उनकी राजनीतिक अस्पष्टता थी, वो एक बात को लेकर के बहुत चिंतित रहती थी, क्योंकि चाहे मार्क्सवाद हो, मार्क्सिज्म हो या अम्बेडकरिज्म हो, वो हर चीज को लेकर के क्रिटिकल थी। देश के अंदर जितने भी थ्योरीज हैं इमेंसिपेशन के, सबको बहुत क्रिटिकली ऑब्जर्व करती थी। और ये जो उनका क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन था, यही वो वजह थी कि हम और जिग्नेश उनके दाएं बाएं खड़े हो पाते थे। जिग्नेश अम्बेडकराइट मूवमेंट का एक चेहरा है, लेकिन उसके अंदर, उस मूवमेंट के अंदर जो डेविएशन है उस पर बहुत बेबाकी से बोलता था। मार्क्सवाद भी एक इमेंसिपेशन की थ्योरी है और मुझे अक्सर उसके साथ जोड़ा जाता है, मैं उसके अंदर क्रिटिकल रहता हूँ। और गौरी लंकेश वो घाट है, नदी का वो किनारा है जहाँ दो अलग अलग तरह के जानवर एक साथ पानी पी सकते थे, ये उनकी खासियत थी। ये उनके अंदर आइडियोलॉजिकल एकोमोडेशन की कैपेसिटी थी कि कैसे वो आइडियोलॉजिकली एकोमोडेट करती थी। कई बार चंदन जी ने कहा कि आई हैव सो मेनी ऑब्जर्वेशंस एंड सो मेनी डिफरेंसेस विद द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, देन आई टोल्ड हिम कि दिस इज द क्वालिटी ऑफ गौरी लंकेश, वी आर हैविंग डिनर एट द सेम टेबल। और मैं समझता हूँ कि ये जो क्रिटिकलिटी है, जो प्रोफेशनलिज्म है, उनके पत्रिका में कोई ऐड नहीं होता था और बहुत बेबाकी से हर चीज पे के ऊपर वो अपनी राय रखती थी। मुझे लगता है कि वो इंसान एस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरनाक होता है जो किसी भी सूरत में एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं होता है, चाहे वो घर हो, पति के तौर पे, भाई के तौर पे, चाहे वो कॉमरेड्स हों आइडियोलॉजिकल फ्रेंड के तौर पे, चाहे कोई मूवमेंट हो इमेंसिपेशन के नाम पे, जो हर जगह क्रिटिकलिटी के झंडे को बुलंद करता है, वो इंसान रेग्रेसिव थॉट के लिए खतरनाक हो जाता है। मैं सीबीआई नहीं हूँ, मैं किसी इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हूँ, एनआईए का की जिम्मेवारी मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ
कि जो लोग उनसे परेशान हो रहे थे उसके बारे में उन्होंने मुझे साफ साफ बताया था। मैं उनके घर पे आया गया दो बार। मैं दिल्ली रहता हूँ, कहते हैं दिल्ली दिल वालों की होती है, लेकिन बुजुर्ग लोगों के लिए दिल्ली बड़ी बेदर्द है। मेरी चिंता बहुत छोटी सी थी कि आप अकेले रहते हैं घर में, हमारे यहाँ तो बेचारे बूढ़ा बूढ़ी घर में रहते हैं, तीन चार दिन के बाद पता चलता है जब घर से बदबू आती है, और वो कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो कोई एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, उनके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, पता नहीं कौन जो है उनको मार करके वो प्रॉपर्टी ले जाता है। बोले इतनी इतना बेदर्द समाज, इतना इनसेंसिटिव समाज, और वहाँ आपकी इतनी कठिन लड़ाई हर एक मोड़ पे हर एक कदम पे, ये तो आपके लिए खतरनाक है। तो उन्होंने कहा मन को सेटिस्फाई करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा लिया है, लेकिन मरने का डर अगर ज्यादा हो जाए तो लड़ने की ताकत कम हो जाती है। और मेरे ऊपर इंदौर में बड़ा खतरनाक तरीके से हमला किया गया। उस परिस्थिति में फोन रिसीव करना बड़ा मुश्किल होता था, और वो ये बात जानती थी कि कई बार कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, इसीलिए वो बोलती थी कि जिग्नेश इज माई गुड सन, यू आर माई बैड सन, बिकॉज तुम हमसे रेगुलर कम्युनिकेशन नहीं करते हो। हमने कहा कि रेगुलर कम्युनिकेशन करने की स्थिति में हम नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर फोन की दिक्कत है तो हम तुमको खरीद के दे देते हैं। हमने कहा बात फोन की नहीं है, बात है परिस्थिति की। अब पत्थर चल रहा है, कहीं बम फूट रहा है, तो हम आपका फोन कैसे रिसीव करें? और उतना उनका नेटवर्क हमारे इर्द गिर्द इतना जबरदस्त था कि पत्थर चला नहीं कि उनको खबर हो जाती थी। और वो बोली बोली बस आई हैव जस्ट वन लाइन, डरना मत, सिर्फ एक लाइन उन्होंने कहा था। ये मैं अटैक के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूं। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनके कामों को कितना डॉक्यूमेंट किया गया है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि गौरी लंकेश इस देश में रैशनैलिटी, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और एस्टेब्लिशमेंट का जो एंटी पीपल एजेंडा है उसके खिलाफ स्ट्रगल की एक सिंबल है, और मैं उस बात को अपने लिए आखिरी बात समझता हूँ कि डरना नहीं, और हमेशा इस देश के अंदर चाहे वो फेमिनिस्ट मूवमेंट हो, मार्क्सिस्ट मूवमेंट हो, अम्बेडकराइट मूवमेंट हो, एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ जिस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए गौरी लंकेश लड़ रही है, मैं समझता हूँ कि उस मसाल को आगे बढ़ाना और उस कारवां को आगे ले जाना ये हमारी जिम्मेवारी है। हम सब लोग जो गौरी लंकेश से प्यार करते हैं, उस इमोशन को हम लोगों को अपने स्ट्रगल की एक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इतनी जिंदा दिल महिला, इसलिए मैंने तय किया है कि उसको याद करके रोऊंगा नहीं, आंसू आते हैं लेकिन मैंने तय किया है कि मैं रोऊंगा नहीं। इतनी जिंदा दिल महिला, अक्सर वो प्यार से मुझे स्वीटी कहती थी कि स्वीटी तुम्हारा पीएचडी कैसे चल रहा है, तुम वहाँ पढ़ नहीं पाते हो तो घर पे आकर के पीएचडी करो। हम बोले कि आप टिपिकल माँ हो रही हैं, पढ़ने लिखने के लिए बोल रही हैं, कल को कहेंगे कि नौकरी कर लो। मैं आपके साथ तो इस अफेक्शन से जुड़ा हूँ कि आप डिफरेंट तरह की माँ हैं, जो ये भी पूछती हैं कि गर्लफ्रेंड बनी कि नहीं बनी, झगड़ा जिसका हो गया है तो उससे बातचीत करवाती थी, क्यों झगड़ा हो गया है बताओ, हमारी क्या मदद चाहिए, चलो हमारा जो है एक जानकार है उसका फार्म हाउस है, वहाँ छुट्टियाँ मना करके आते हैं। इस तरीके की जिंदा दिली उनके अंदर थी, बिल्कुल अलग। जितनी सीरियस वो कलम से थी, व्यक्तिगत बातचीत में वो उतनी ही बिंदास, और अपने एक एक चीज को बड़ी बारीकी से वो पकड़ करके रखती थी, बड़ी मजबूती से। तो उन्होंने ये जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव है उनके साथ, उसमें मैंने ये महसूस किया कि इतनी खुशदिल महिला और इतनी मजबूत महिला, उसके लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, बड़ी मजबूती से उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और एक बात, आखिर बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, कि कुछ लोग जब ये घटना हुई तो अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। मैं कहता हूं कि हो ही सकता है ये जांच का विषय है,
लेकिन सवाल ये है कि उनकी लिखावट से दिक्कत किसको थी। ये बात अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि कौन वो लोग हैं जो गोविंद पानसारे, दाभोलकर। गोविंद पानसारे 80 साल का एक बूढ़ा आदमी, कोई वो एमपी का चुनाव नहीं बनारस से लड़ने वाले थे, कोई जो है वो किसी बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं थे। एक बूढ़ा आदमी, उससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? दाभोलकर से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर कुलबर्गी, उसे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत ये होती है कि जब समाज जड़ता की ओर चला जाए, जब पूरा अंधेरा हो, वहां यदि कोई जुगनू की तरह चमक रहा हो, वो आंख में खटकता है। और जिनको ये खटक रहा है, मैं उनको बस एक बात कह सकता हूं, तलवार कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, सारी गर्दन ना झुकाई जा सकती है ना काटी जा सकती है। गौरी लंकेश ने हमें यही सिखाया है। और हम लोग, ये लिटरेचर फेस्टिवल है, लिटरेचर की जो डोर है, जो संवेदनशीलता छोटी छोटी चीजों में, उनसे मैंने प्राप्त किया है। मैं समझता हूं कि इस सेंसिटिविटी को हमको किसी भी सूरत में जिंदा रखना है, क्योंकि सोसाइटी जब नफरत पे चल रही हो, डिवीजन पे चल रहा हो, हर तरफ एक दूसरे के खिलाफ एक प्रोपगेंडा हो, झूठ हो, वहां प्यार की बात करना, वहां यूनिटी की बात करना, वहां इमोशन की बात करना, वहां फ्रेंडशिप की बात करना बहुत जरूरी होता है। जब मैं जेल से छूट के आया था तो मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे दोस्त ने मुझे अनफ्रेंड कर दिया है, ये मुझे पता नहीं चला था। अभी जब उन दोस्तों का दोबारा फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है तो लगा, हमने पूछा कि तुम तो मेरे फ्रेंड लिस्ट में थे, तो उसने कहा कि मैं उस वक्त घबरा गया था। हमने कहा ठीक कहते हैं लोग, असली रिश्तेदारों की पहचान संकट के दौर में होती है। जहां अपना दोस्त हमको दोस्त मानने को तैयार नहीं था, वहां गौरी लंकेश मुझे अपना बेटा मान रही थी। यह महज रिश्ते की बात नहीं है, ये एक मजबूत विचारधारा का सवाल है। और एक इत्तफाक की बात है, मैं आपको हिंदू माइथोलॉजी की तरफ नहीं ले जा रहा हूं, क्योंकि वो लाइन मुझे गौरी लंकेश का बहुत मजबूती से याद है, कॉन्स्टिट्यूशन इज माई रिलीजन। बस एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं कि मेरा नाम कन्हैया है, कन्हैया का जन्म देवकी ने दिया था और उसको पाला पोसा यशोदा ने था। मेरा दुर्भाग्य है, ज्यादा परवरिश का मौका नहीं मिला, लेकिन जितने छोटे से वक्त में उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड से भी मेरी बातचीत कराई थी। मैंने कौतूहलता बस पूछ लिया उनसे कि आर यू सिंगल, सी सेड नो, यू आर विद मी। इतना ह्यूमरस जवाब। फिर मैंने कहा नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने शादी की है कि नहीं की? हाँ हमने की है। कहाँ है वो? हम दोनों अलग अलग रहते हैं। तो आप दोनों ने झगड़ा कर लिया? नॉर्थ इंडियन मेल फ्यूडलिज्म भी थोड़ा सा होगा और पेट्रियार्की भी। हमने कहा आपने झगड़ा कर लिया है? बोले नहीं, झगड़ा करने के लिए सरकार है, पति से क्यों झगड़ेंगे। और समाज में क्या बात करूं? बोले बी कंफर्टेबल। वो हमारा आज भी बहुत अच्छा दोस्त है। और फिर हमने उनसे बातचीत की। ये स्वरूप जो गौरी लंकेश का है, आप इसको बारीकी से देखिए, शायद मैं इसको कभी भी लिख नहीं पाऊंगा। आप लोगों की मोहब्बत है और सामने जो है उनकी माँ बैठी हुई हैं, तो ऐसा लगता है कि यदि अपनी माँ के बारे में बात कर रहे हो और नानी सामने हो तो थोड़ी ताकत मिलती है। तो मैं इतना बोल पा रहा हूँ, शायद मैं ये कभी लिख ना पाऊँ, लेकिन इस स्वरूप को, गौरी लंकेश के इस एस्पेक्ट को समझने का कोशिश कीजिएगा। और ये मत सोचिएगा कभी कि किसी एक कन्हैया कुमार, जिग्नेश, उमर, उनके परिवार, चंदन, दोस्त, यह नुकसान उन लोगों का है। यह नुकसान हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने बहन की बच्ची से बात करती थी, हमको लगता था कि भविष्य वही बच्ची है। लेकिन अगर उस भविष्य को नर्चर करने वाला गौरी लंकेश जैसा आर्किटेक्ट यदि सोसाइटी में नहीं है, वी आर गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। एंड इफ वी आर राइट,
वी आर ऑन द राइट पाथ, वी हैव टू थिंक अबाउट कमिंग फ्यूचर। कि किसी को कुछ बोलने, लिखने, लड़ने और सवाल उठाने के लिए मार दिया जाए, ये किसी के भी साथ हो सकता है, ये किसी के साथ भी नहीं हो। इसीलिए गौरी लंकेश को याद करना और उनकी लड़ाई को लड़ना जरूरी है। इससे ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है। शुक्रिया आप तमाम लोगों का। Thank you, Kanaya. Paul Zakaria had to leave to catch a flight, but there's not much more to say. The publisher has brought a few copies of the book, and they are there behind, but it'll be available next month, wherever, at general places. I don't